चलिए बच्चों, आज सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमको इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चंस हमको दे जाते हैं, अगर उनको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक लेवल बना लेते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखें आप अपना क्या मजबूत कर लें, आप फाउंडेशन लेवल मजबूत कर ले। जब आपको लगे कि आपने फाउंडेशन लेवल मजबूत कर लिया है तो आप क्या करें, आप ये लेवल अपना करें। दूसरा इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल मजबूत कर लें। और जब आपको लगे कि आपने इंडिविजुअल लेवल भी मजबूत कर लिया है तब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये लेवल लेना चाहिए अपना। प्रैक्टिस लेवल लेना चाहिए। ये तीन लेवल्स हैं जो आपको समझना होगा यदि आप चाहते हो कि इंग्लिश से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती हैं वो आप न करें। अब हम इन तीनों लेवल्स को देखते हैं कि इन तीनों लेवल्स में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमको फाउंडेशन लेवल मजबूत करना है तो हमको क्या करना होगा। ये है फाउंडेशन लेवल। इसमें आप क्या क्या चीजें करें जो आपका फाउंडेशन लेवल बेहतर हो जाए। सबसे पहले इसमें आप ये चीज पढ़ें, सेंटेंस। दूसरा इसमें क्या करें, आप टेंस तैयार कर लें। तीसरा क्या करें इसमें, आप मॉडल्स तैयार कर लें। ये चीज, अगर ये तीनों चीजें आपकी तैयार हैं तो आपको कभी भी इंग्लिश से संबंधित किसी समस्या का बहुत अधिक सामना नहीं करना होगा। जब आपको लगे ये तीनों लेवल्स आपके बेहतर हैं, इनसे संबंधित सारी चीज़ें तैयार कर लिया है आपने, तो आप ये चीज़ें तैयार करें। कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उन पर आप मेहनत कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन टैग आपके पास होता है उसमें हार्ड वर्क कर लें। इसके अलावा इन्वर्जन होता है वो तैयार कर लें आप, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस तैयार कर लें आप, ये तैयार कर लें। अब यानी अगर हमको अपना फाउंडेशन लेवल मजबूत करना है तो हम अपने सेंटेंस में ये पहचान लें, सेंटेंस में ये पहचान लें कि हमें सब्जेक्ट की पहचान करना, वर्ब की पहचान करना, ऑब्जेक्ट की पहचान करना, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की पहचान करना, ये सब आता है कि नहीं। अगर ये आ जाता है तो दूसरा जो सेक्शन हम तैयार करें वो टेंस है। टेंस में जैसे टेंसेस की पहचान करना, आपको हिंदी टू इंग्लिश पहचान आती है ना आती हो, लेकिन आपको इंग्लिश टू हिंदी पहचान आती हो कि आप कोई भी वाक्य देखें, जैसे कहीं लिखा हो ही हैज नॉट गॉन, ठीक है, तो आप इतनी पहचान कर लें कि ये हैज नॉट गॉन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका है। और ये याद रहे कि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये टेंस से संबंधित जो पहचान होती है वो सारी कर लें। और टेंस से संबंधित क्या करें, जो एक्सरसाइजेस हमको दी जाती हैं वो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लें। उस पर बहुत सारी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं। आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप SSC कर रहे हो या फिर आप उससे संबंधित स्टेनो की कर रहे हो, CHSL की कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, इवन आप एयरफोर्स की कर रहे हो, NDA की कर रहे हो, हर एक एग्जाम में टेंस से संबंधित क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। फिर आपकी मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल कर लें, उनसे संबंधित जो एरर्स हमको दी जाती हैं वो तैयार कर लें। जैसे कोई आपको कोई सेंटेंस अगर दे और कहे कि सेंटेंस में क्या एरर है, तो आप जाने कि किस तरीके से हम एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया,
ही शुड नॉट वेंट। अब आप जानें कि अगर शुड का प्रयोग है एक मॉडल के रूप में तो आप वेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी मॉडल किसी भी कीमत पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यानी यहां वेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए। थी मॉडल से संबंधित जो आपकी एरर्स होती हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें आप। इसके बाद कंडीशनल्स आपके, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होते हैं कि आपको कई प्रकार की, स्पेशली तीन प्रकार की एरर्स आपको दी जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनका कंडीशनल तैयार नहीं होता है और वो दिए गए क्वेश्चंस में वो अपने आप को पजल्ड फील करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया गया आपको, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड कम, ठीक है। ट्रेडिशनली आप जानते हैं ये गलत स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर आपका यू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो यहां भी जो स्ट्रक्चर है आपका वो आपको क्या लेना होगा, आई वुड हैव कम हो जाएगा। यानी ये कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित जो एरर दी जाती है वो मैंने आपको दी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और एरर आपको रेगुलरली आपको दी जाती है और करीब हर एग्जाम में आपको दी जाती है। ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं, चाहे एसएससी के हों, बैंक के हों या फिर ऐसे हों, उनमें आपको इसे फेस करना होता है। अगर आपने देखा हो तो देखिए कैसे, ऐसे आपको दे दिया गया, इफ ही वॉज अ किंग He would help them। ज्यादातर बच्चे इस सेंटेंस को कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब यहां एक सपोजिशनल सेंस हमारा है, इफ ही वॉज अ किंग, यदि वह राजा होता, यानी ऐसा है नहीं कि वह तुरंत हो जाए, तो ऐसी अवस्था में आपको इफ के साथ यहां पे क्या लेना होगा, वर का प्रयोग करना होगा, है ना। तो ये सेंटेंसेस आपको कंडीशनल से संबंधित दे जाते हैं। क्वेश्चन टैग आप जानते हैं, क्वेश्चन टैग से संबंधित रेगुलरली आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इनमें कर लेते हैं, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो देख लें आप। ज़्यादातर क्वेश्चंस आसान तौर पे होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देख लें, आई एम going there, I meant I, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या यह सही स्ट्रक्चर है। तो आप जानते हैं एम के साथ आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस I meant I के बजाय क्या लेना होगा, यहां पे aren't I होगा, aren't I होगा। यानी ये क्वेश्चन टैग्स से संबंधित क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। एक चीज और ध्यान में रखें कि ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा साइकोलॉजिकली शायद यहां वो कहीं कहीं पजल्ड महसूस करते हैं। दिखा रहा हूं, एक मिनट रुक जाए, बस देखें आप ये क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है, और एग्जाम में आपको दे देगा, एम आई। तो आप में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में भर चुका होता है कि आई के साथ आरंट आई का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो क्या है, आपका एम नॉट है। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, एम आई बनेगा, क्योंकि नॉट अगर एम से जुड़ता है तब एमेंट नहीं होता है और आरंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां आई एम के साथ आपको नॉट तो जोड़ना नहीं है, तो फिर ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, सही है, कोई एरर यहां पे नहीं है। यानी इस तरीके क्वेश्चंस आपको किससे दिए जाते हैं, क्वेश्चन टैग से संबंधित दिए जाते हैं जहां पे हम पजल्ड फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है इनवर्जन का। अगर आप समझते हो
इन्वर्जन संबंधित क्वेश्चंस रेगुलर हमको दे जाते हैं, ठीक है। कैसे दे जाते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। ऐसे मान ले दे दिया गया आपको, हार्डली ही हैड कम व्हेन आई वेंट। जिन बच्चों ने भी मेहनत किया होगा उन्हें याद होगा कि अगर हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली या बेयरली या नो सूनर या नेवर वगैरह अगर वाक्य के आरंभ में आते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल इन्वर्जन के कारण आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना होता है, यानी हैड कहाँ आ जाएगा, हार्डली के बाद, और ही जो है हैड के बाद जाएगा। ये इन्वर्जन का क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन देखें आप, जैसे इसी तरीके से अगर आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, नो सूनर डिड आई कम व्हेन ही वेंट, है ना। अब अगर आपको याद हो नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन होता है, डिड है पहले हेल्पिंग वर्ब पार्शियल इन्वर्जन कारण वो भी सही है, आई भी सही। ये जो आपने व्हेन लिया ना ये गलत है आपका। जैसे यहां हार्डली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही यहां पे नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन व्हेन नहीं, आपको याद होगा किसका होता है, देन का होता है। तो ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड होते हैं, ये इन्वर्जन पर क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट में सीक्वेंस आप टेंसेस से संबंधित हमको क्वेश्चन दे जाते हैं, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस संबंधित क्वेश्चन ऐसे दे जाते हैं, He said that he would come, but his brother will not come. कर सकते हैं आप। He said past में है ना, जो प्रिंसिपल क्लाज है आपके पास्ट में है, दैट से सबऑर्डिनेट क्लाज है, दैट ही वुड कम सही है, बट हिज ब्रदर विल, विल कैसे हो जाएगा, ये भी तो पास्ट में ही जाएगा ना, तो विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको फाउंडेशन लेवल पे तैयार करने चाहिए कि किस तरीके से हम इनको प्रिपेयर कर लें ताकि आगे आने वाली समस्याओं को हमको फेस न करना पड़े। नेक्स्ट लेवल जो आपका आता है वो है इंडिविजुअल लेवल। इसमें आपको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, वो तीन लेवल्स हैं आपके। पहला लेवल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा लेवल है आपका नरेशन, और तीसरा है आपका वॉइस। ये तीनों लेवल्स हैं, इन तीनों लेवल्स को आप तैयार कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच से संबंधित सारी चीजें जो नाउन प्रोनाउन वगैरह होते हैं, इनसे संबंधित जितने भी एरर्स वगैरह होते हैं, जो जानकारियां इनके रूल्स वगैरह हैं, वो सारे तैयार कर लें। नरेशन में आप एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये तैयार कर लें। वॉइस में आप देख लें कि कैसे हम एक एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं। ध्यान रखें वो ये चीज़ें नरेशन वॉइस केवल ऑप्शनल क्वेश्चंस के रूप में नहीं दिए जाते हैं, ये चीज़ें आपको कॉमन एरर के रूप में भी दिए जाते हैं। कॉमन एरर के रूप में देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। नरेशन पे देखिए कैसे क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं, ऐसे He told me that he came here 2 days before, ठीक है। अब आपको लगेगा सही तो है, he told me that he came here 2 days before, लेकिन आप सोचें ये 2 days before अगर ऑलरेडी इसमें है, मीन्स 2 days ago रहा होगा, और ago के साथ ऑलरेडी आपका पास्ट
इंडेफिनिट टेंस रहा होगा। अगर ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा होगा तो जब आप इंडेट में ले जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट ही कैसे रहेगा, ये टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा और हो जाएगा ही हैड कम हो जाएगा। ये हम कहाँ सीख सकते हैं, नरेशन या टेंस से सीख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमको नरेशन को आधार बना के दिए जा सकते हैं। वॉइस पे कैसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, देखें ऐसे दिए जा सकते हैं। He has been called with somebody यहां पे है, ठीक है। He has been called with somebody। आपको पता हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, यानी ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, वॉइस पैसिव वॉइस का है। अगर पैसिव वॉइस का है तो विद समबडी या ऐसा कुछ लेना है क्या आपको, यहां पे क्या लगाना होगा आपको, बाई लगाना होगा क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर है। आप कह सकते हैं सर समबडी कैसे आ गया, तो कोई और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं या कोई नाम दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं, तो फिर यहां पे आपको बाई का प्रयोग करना होगा। हाँ, एक लॉजिक हो सकता है कि उसे किसी और के साथ बुलाया गया होगा, बट विदाउट रेफरेंस तो नहीं रहेगा, इसलिए विद के स्थान पर आपको बाई का प्रयोग करना होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको जो है वो आपको नरेशन और वॉइस के लेवल पे दे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल तैयार करें और लास्ट लेवल है आपका प्रैक्टिस लेवल। मैं हर बच्चे से कहता हूं आप प्रैक्टिस लेवल तभी ज्वाइन करिए, मीन्स प्रैक्टिस लेवल पे तभी आइए जब आपने अपना फाउंडेशन लेवल और अपना इंडिविजुअल लेवल दोनों आपने क्लियर कर लिया हो, मीन्स अब आप छोटी छोटी चीजें जो हैं वो तैयार कर चुके हों, तब प्रैक्टिस लेवल पे आप आएंगे तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखें कि प्रैक्टिस लेवल पे हमको क्या करना है। प्रैक्टिस लेवल पे आपको प्रैक्टिस तो करनी है, किन की प्रैक्टिस करनी है, सेट्स के, ठीक है। ये सेट्स कहाँ से लें आप कुछ किताबें ले सकते हैं। ये किताब है MB MB पब्लिकेशन की है और ये इसके राइटर जो हैं आप जानते होंगे शायद, AK सिंह, अजय कुमार सिंह जी हैं। ये किताब आप इनकी पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया किताब आपको मिलेगी जो प्रैक्टिस लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और किताब आप यूज़ करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल जी की आप किताब यूज़ कर सकते हैं। RS अग्रवाल जी किताब है ये, आप बहुत बढ़िया किताब है, इस किताब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई और प्रैक्टिस बुक यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी किताब ले लें, किरण प्रकाशन की किताब है, ये किताब आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर और जो बच्चे CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो उन्हें अगर प्रिपरेशन करनी है तो वो बच्चे ये किताब यूज़ करें, घटना चक्र की किताब है ये किताब, घटना चक्र की किताब यूज़ करें आप, ठीक है। ये तीन किताबों से, यानी MB पब्लिकेशन की बुक ले लें, RS अग्रवाल जी की किताब ले लें, किरण प्रकाशन ले लें, ये किसी भी लेवल पे आपके काम आएंगे। और अगर आप CHSL लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो घटना चक्र की ये जो किताब है ये किताब आपकी प्रैक्टिस सेट्स के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी किताबें आती हैं जो कॉमन एरर के अलग से आपको मिल जाएंगी, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन और PKVRS की अलग से मिल जाएंगी। इस लेवल पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्रिस्टोफर फिनिक्स की किताब आती है जो दिल्ली के टीचर हैं उनकी किताब आप पढ़ें, उसमें आपको बेहतर तरीके से आपको क्लोज टेस्ट की प्रिपरेशन कराई गई है और PKVRS की प्रिपरेशन है और कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित ही इंग्लिश से संबंधित जो आपका सेक्शन है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा एक सेक्शन आप और तैयार करें, वो सेक्शन है ये चीज़, वोकैब। वोकैब में क्या करें, बहुत सारे पूछते हैं बच्चे की किस तरीके से ये तैयार करें, तो सबसे पहला तरीका मैं चाहूँगा जो बच्चे अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो बच्चे ये न्यूज़पेपर रेगुलरली अपने यहाँ मंगाए करें, द हिंदू, इसको रेगुलर पढ़ने की आदत डालें। रेगुलर पढ़ने की आदत डालेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे आपको एक फ़ायदा होगा कि आप
जो वर्ड पावर की दिक्कत आपकी है, थोड़ा समय लगेगा, महीना दो महीना आपको लगेगा, लेकिन आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर इस पेपर की आपकी प्रॉब्लम है तो ये पेपर देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पेपर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस पेपर के थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन पेपर्स के जो वर्ड्स हैं वो तैयार करें धीरे धीरे प्रैक्टिस में। आप चूंकि रेगुलर एडिटोरियल जब पढ़ते रहेंगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे वर्ड्स रिपीटेड होते रहते हैं और फिर उन वर्ड्स पे आपको कमांड होता जाएगा। शुरू में जब आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू करेंगे या करते हैं, तो आपको निश्चित ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत बार आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी कि कैसे तैयार होगा, नहीं हो पा रहा है। बट विश्वास करें, दो महीने के आसपास आप रेगुलर जो भी गलत सही है पढ़ते रहें, जो भी वर्ड्स आपको मिले अच्छे वो वर्ड्स आप लिखते जाएं, तैयार करते जाएं, डिक्शनरी यूज़ करें, उनमें देखें, धीरे 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 आपको आएगा। इसका एक और तरीका है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, छोटे छोटे सेंटेंसेज में आप उन्हें पढ़ें और फिर धीरे धीरे समझने की, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। एक और तरीका है कि आप एक साइट पर जाएँ, उस साइट पर जिस साइट पे एडिटोरियल भी आपको मिल जाएगा और उसके अलावा नीचे उनके वर्ड्स भी दिए होते हैं। ये साइट ये है आपकी, बैंकर्स डेली है। यहां पर आपको द एडिटोरियल, जो द हिंदू का एडिटोरियल है, वो आपको वर्ड पावर के साथ मिल जाएगा। जब आप वर्ड पावर के साथ लेंगे तो नीचे पहले वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आप अच्छे से मीनिंग्स के साथ देख लें। वहां से आप वर्ड्स देखने के बाद जब पढ़ेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो आप वोकैब का सेक्शन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, मेरी भी किताब है सुपर 60 वर्ड पावर के नाम से, जो इलाहाबाद में आपको शारदा पुस्तक भवन पे वहाँ मिल जाएगी आपको, यूनिवर्सिटी चौराहे पे। वहाँ से भी आप चाहें तो किताब लेकर के उसमें बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने सारे वर्ड्स करीब करीब द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं पहले के सेक्शंस में दिए गए थे, वो सारे मैंने वहाँ दिए हैं। और भी किताब है, अगर आप दिलीप कुशवाहा जी की किताब है, इलाहाबाद के टीचर हैं, उनकी किताब पढ़ेंगे, वर्ड पावर की किताब है, उस किताब से भी हेल्प मिलेगी आपको। तो जैसे भी हो, आपका सबसे बेहतर तरीका जो मैं कह रहा हूँ कि आप एडिटोरियल पढ़ें और एडिटोरियल के द्वारा धीरे धीरे वर्ड्स को तैयार करते जाएं। मैं फिर कहूँगा, पहले आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप इसकी अपनी आदत बना लेंगे तो आपको निश्चित ही, आज जो वर्ड पावर आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, निश्चित ही वो आगे चल के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो बच्चों, ये मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए दी कि आप मिस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी SSC वगैरह की। तो फिर से मैं रिमाइंडर दे दूं, आप सबसे पहले अपना फाउंडेशन लेवल मजबूत कर लीजिए। कोचिंग्स करते हो जहां भी, फाउंडेशन लेवल पे एक बार दो बार पढ़िए। जब आपका फाउंडेशन लेवल बेहतर हो जाए तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कोचिंग लीजिए, क्लासेस लीजिए, वहाँ से अपनी तैयारी एक से दो बार कर लीजिए। और जब ये आप मैक्सिमम 1.5 से 2 साल, अगर आप बिगिनर हैं तो 1.5 से 2 साल आप दे चुके हों, तो फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स करिए, सालू करिए, या तो कोचिंग करिए किसी टीचर्स जो बेहतर प्रैक्टिस सेट्स कराते हों, या अपने से सालू करें आप, और आप देखेंगे सफलता निश्चित ही आपके द्वार पे होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दें। थैंक यू।